हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड बाय मिदुला। आज हम बनाने वाले हैं कोलकाता फेमस घुगनी रेसिपी। इसको हमने बिना प्याज लहसुन के बनाया है। बिना प्याज लहसुन के होते हुए भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही रिच होता है खाने में। इसको बनाने के लिए मैंने पहले 250 ग्राम मटर के दाने को 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर एक प्रेशर कुकर में 4 हुइसल के साथ इसको बॉईल कर लेंगे। प्रेशर कुकर में इस मटर के दाने को डाल के फिर इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी के साथ इनको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले को मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेंगे, फिर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, फिर 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर लेंगे, फिर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेंगे। फिर इसमें मैंने धनिया और जीरा को थोड़ा सा भून के फिर पाउडर बना लिया था, वो पाउडर लेंगे। अब इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। मेनली इस घुगनी को बंगाल में लूची के साथ, मतलब कि पूरी के साथ खाया जाता है, मगर इसको पूरी, पराठा, नान सभी के साथ अच्छा लगता है खाने में। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखें। और जब भी आप लोग व्रत वाले दिन बना रहे हो तो मैंने जो नमक डाला था, नॉर्मल नमक, आप उसके जगह सेंधा नमक ऐड कर देना। फिर मैंने यहाँ पे नारियल लिया है, इनका जो ब्लैक पार्ट होता है वो छिलका उतर के फिर इसको बारीक काट के फिर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होते ही उसमें बारीक कटा हुआ नारियल डालेंगे। नारियल जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए लगातार इनको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो नारियल फ्राई होने के बाद किस तरह से होना चाहिए दिखने में, ना ज़्यादा फ्राई ना कम फ्राई, एकदम गोल्डन ब्राउन होना चाहिए फ्राई करने के बाद। फिर उसी ऑयल में 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। अब इनको हल्का सा भून लेंगे। जब इसमें से स्मेल आने लगे फिर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा को हल्का सा क्रैकल होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ आलू डालेंगे। आलू अगर आप ना देना चाहे तो इसको बिना आलू के भी बना सकते हैं इस सब्जी को। फिर आलू को थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच होना चाहिए, ज़्यादा हाई होने ही होना चाहिए। फिर इसमें ग्रेटेड अदरक डालेंगे। अब अदरक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक हल्का सा फ्राई होते ही इसमें बड़े कटा हुआ टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया है। अब के पास बड़ा टमाटर नहीं है तो आप 2 टमाटर लीजिए। फिर टमाटर को हल्का सा चला देंगे। टमाटर जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें 1/2 टीस्पून के करीब चीनी ऐड करेंगे। फिर 2-3 ग्रीन चिली को बारीक काट लिया था वो ऐड करेंगे। अब इन सारे मसाले को लगातार चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के तले में ना लगे और मसाले अच्छे से फ्राई भी हो जाए। फिर हमने जो मसाले की पेस्ट बनाई थी वो मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब मसाले को हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाला जब हल्का सा फ्राई हो जाए फिर उसी बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर उस पानी को इसमें डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। इन कसूरी मेथी और चाट मसाला से ही चटपटा फ्लेवर आते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है व्रत वाले दिन में भी। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मसाले से ऑयल छोड़ने लगे फिर हमने जो नारियल को फ्राई कर लिया था वो नारियल इसमें ऐड करेंगे। अब नारियल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल छोड़ने तक इनको लगातार भूनते रहेंगे। ऑयल जब अच्छे से ऊपर आ जाए फिर इसमें बॉयल किए गए मटर को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे मटर को इस तरह से बॉयल किया है, ना कि ज़्यादा बॉयल हो चुका है ना कम हुआ है, एकदम परफेक्ट बॉयल होना चाहिए। अब अगर इसमें थोड़ा सा पानी आप लोग ऐड करना चाहे तो गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अब इनको 10 मिनट ऐसे ही उबल के फिर इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और धनिया पत्ता ऐड करके 2-3 मिनट लो फ्लेम में उबल के फिर इसको सर्व करेंगे।
फ्रेंड्स, मेरी बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को आगे से और भी न्यू वीडियो देखने के लिए। जो लोग मेरे वीडियो पे न्यू हो, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। और आप लोगों को मेरे वीडियो इतने देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।